कवि गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितां भुज। हेलो एंड वेलकम। रात में मैंने एक आपके पास वीडियो डाला था आईसीएसई रिजल्ट की, जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट थी उसके बारे में। अब यहां पे उसी रिपोर्ट को मैं थोड़ा सा और इनलार्ज करके और ये बताना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट के एक्चुअल में हकीकत क्या है, क्या उसमें लिखा हुआ है, पूरा क्या लिखा हुआ है। ये नहीं हो कि मैंने एक दो जगह देखा है कि अर्थ का अनर्थ वहां पे कर दिया गया है, वो मैं आप लोगों के क्लियर करना चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, क्योंकि मैं सारा दिन आप ही लोगों के बारे में सोचता रहता हूं और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज और इंपॉर्टेंट कंटेंट कहीं से भी जो मेरे को मिलता है मैं लेकर के आपको सामने, ताकि आपकी जो चिंताएं हैं वो कम हो सके। दूसरी बात मैं ये बता दूं, आई एम ए फुल टाइम टीचर। मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूं और उसके बाद में 2:30 बजे वापस आता हूं, तो उसके बाद ही मैं ये काम करता हूं। तो यहां पे मैं खाली नहीं हूं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपके मन में कोई चीज ना रहे। तो आज क्योंकि संडे है, मैं सुबह वीडियो बना पा रहा हूं और यहां पे मैं आपको कल वाला जो वीडियो है उसके बारे में बता रहा हूं। जैसा कि मैं पहले कई वीडियोज के अंदर आपको बता चुका हूं और ये वीडियोज मैं आपको यहां पे आप देख लीजिए, मैं उनका वो दिखा रहा हूं। तो ये वीडियोज मैंने पहले डाले थे, 3 वीडियो अब तक मैं लगभग 3 या 4 वीडियो डाल चुका हूं, जिनमें मैंने डेट का कंफर्मेशन आपको लगभग बता दिया था कि लगभग 8 से 15 तारीख के बीच में रिजल्ट आएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस ईयर की डेट के हिसाब से भी मैंने आपको बताया था 6, 11 और 14, ये 3 डेट सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। तो यहां पे अब जो कल टेलीग्राफ की रिपोर्ट आई, मैं उसको ये नहीं कहता हूं कि वो गलत है, उन्होंने भी ये एक एक्सपेक्टेड रिपोर्ट है, एक्सपेक्टेड आप देख पा रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल आपको क्लियर लिखा हुआ है उन्होंने। और उसके अंदर दूसरी चीज जो लिखी हुई उनका ये है कि 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, वो ये कह रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्टल है वो 10 से 25 तारीख तक खुला रहेगा उन बच्चों के लिए जो फेल हो जाते हैं या जिनको अपने मार्क्स से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो वो अपना रीचेकिंग के लिए फॉर्म अगर उनको भरना है तो दे कैन फिल दैट फॉर्म। तो इस तरह से ये 25 तारीख तक आपका खुला रहे। लेकिन जब यही रिजल्ट आईसीएसई बोर्ड अपनी डिक्लेयर करने की जब डेट निकालेगा तो उसका कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह का उनका नोटिफिकेशन और सर्कुलर आता है जिसके अंदर, ये पिछले साल का मैं दिखा रहा हूं, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये डेट, इस तरह डेट और टाइम उनका आता है और ये आईसीएसई के पोर्टल के ऊपर आएगा, जो कि अभी तक नहीं आया। ये सिर्फ एक टेलीग्राफ की रिपोर्ट है और उन्होंने ये बोला है कि ये 10 तारीख को आ सकता है, जो कि काफी पॉसिबल है क्योंकि उनके लिंक्स होते हैं, उनके मेरे लिंक नहीं है और किसी के यूट्यूबर के भी नहीं होते, लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं उनके लिंक होते हैं, तो उन्होंने ये यहां से वो रिपोर्ट ली है। तो 10 तारीख मोस्ट प्रोबली मैं 90% तक कह सकता हूं कि 10 तारीख को रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 10% अभी भी चांसेस हैं कि ये एक दो दिन आगे और पीछे हो सकता है। तो 10 कंफर्म अभी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं यहां मेन बात जो कहने वाला हूं ये है कि जो पिछले 3 मैंने वीडियो आपने देखे होंगे, 3-4 वीडियो, सबके अंदर मैंने जो बात बताई थी। और दूसरी बात ये बता दूं, करेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, परसों तक खत्म होगा, 2 तारीख इज द लास्ट डेट फॉर बायो करेक्शन। बायो के अलावा सारी की सारी करेक्शन अब तक खत्म हो चुके हैं, हिंदी वाले टीचर वापिस आ चुके हैं, उनका करेक्शन खत्म हो गया, कंप्यूटर का भी खत्म हो गया, सब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ अभी बायो का बचा है। और बायो में एक दो जगह ये हुआ कि टीचरों की शॉर्टेज थी थोड़ी सी, तो वहां पे एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। तो 2 तारीख तक मेरे हिसाब से जो ऑफिशियल डेट है वो है, उसके बाद एक आध दिन और किसी का इंक्रीज, लेकिन ज्यादातर करेक्शन खत्म होने वाला है एक आध दिन के अंदर, तो वैसे ही फाइनल में पैकिंग वगैरह होता, ज्यादा टाइम नहीं उसके अंदर करेक्शन बचा हुआ नहीं होता है। तो इस तरह से करेक्शन कंप्लीट है पूरा का पूरा। अब रिजल्ट आने की बारी है और रिजल्ट आने में लगभग 1 हफ्ता लगता है, मैं शुरू से आपको बता रहा हूं। तो उस हिसाब से 10 तारीख परफेक्ट बैठती है, जो कि मैंने शुरू से मैं आपको बता रहा हूं। 10 तारीख से किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम के मारे 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अगली बात मैं जो बताने वाला हूं कि आईसीएसई पिछली साल उन्होंने, मतलब ये आमतौर पे 2-3 दिन पहले वो बता देते हैं, लेकिन पिछली साल उन्होंने जो करा है वो ये किया है कि सेम डे सुबह रिजल्ट, 11th और 12th का अलग अलग रिजल्ट आया था और सुबह ही उन्होंने बताया और दोपहर के अंदर रिजल्ट उसका आ गया। तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो सारी चीज में ये क्लियर, ये वीडियो बनाने इसीलिए आया हूं कि इस तरह से जो अभी जो ये रिपोर्ट है वो अभी कच्ची है, अभी फुल फॉर्म में नहीं है। तो इसके ऊपर अभी ये बिल्कुल तैयार होके मत बैठ जाइए 10 को आएगा, लेकिन
ये काफी पॉसिबिलिटी है, मैं खुद भी कह रहा हूं 90% से ज्यादा इस बात के ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि ये 10 तारीख को ही रिजल्ट आएगा। तो ये रिपोर्ट जरूरी था आपको बताना, क्योंकि कल मैंने जल्दबाजी में वीडियो बनाया था, पूरी बात में नहीं बता पाया था, तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड डेट है, फाइनल अभी नहीं हुआ है। जब आएगा ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।